वेलकम इन दिस न्यू वीडियो। आई एम सर अली एंड यू आर वाचिंग सर अली यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि हाउ टू क्रिएट अ बार कोड इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फ्री एंड सिंपल वे। हम आसानी से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बार कोड कैसे जनरेट कर सकते हैं, कैसे क्रिएट कर सकते हैं। आपको पता है बार कोड वर्ल्ड वाइड यूज होता है, ये स्कैनेबल होता है, हर एक बिजनेस इसको सप्लाई चेन में ये बार कोड यूज करते हैं। तो हम ये सीखेंगे कि ये बार कोड कैसे जनरेट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो। अगर आप इस वीडियो पे और या इस चैनल पे न्यू हैं तो यार आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, रेड कलर का बटन है सब्सक्रिप्शन का, उसको स्मैश करें और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि मेरी हर आने वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो। ये मैंने आपके लिए डेमो क्रिएट किया था। मैं एक न्यू शीट लेता हूँ और न्यू शीट पर मैं ये आपसे सामने क्रिएट करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर हम लिखते हैं नंबर, यहाँ पर हम लिखते हैं बार कोड, नंबर कुछ भी रख ले, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 2 3 ए बी सी, ये रख लिया। फिर मैंने रख लिया एक्स वाई सी, कुछ भी रैंडम नंबर। ठीक है, ये मैंने जनरेट किया। अब मैंने यहाँ पे बार कोड जनरेट करने हैं। मैं इसको जरा इसकी डिजाइनिंग और आउटलुक बेहतर कर लूँ। ठीक हो गया, इसको इसके इक्वल कर लेते हैं, इसको थोड़ा प्रोमिनेंट कर लेते हैं बोल्ड, इसको बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, कलर सपोर्ट येलो कर लेते हैं और इस सब को हम ऑल बॉर्डर्स कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, ऑल बॉर्डर्स, और ये आपके पास आ गया, ठीक पैटर्न बन गया। ठीक है जी, हम इसको अलाइनमेंट इसकी सेंटर कर देते हैं। अब हमने बार कोड जनरेट करना है। ठीक है जी, तो उसके लिए क्या करना है, अब एक फार्मूला है, वो फार्मूला पहले अप्लाई करना पड़ेगा और उस फार्मूले के बाद ये सारा आपके पास जो है ना ये डाटा बार कोड जनरेट होना शुरू हो जाएंगे और उसके बाद हमने एक डाउनलोड करना है फॉन्ट स्टाइल। ठीक है जी, तो वीडियो को कम्प्लीट देखिएगा। अब मैं यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करता हूँ। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा और बिगर कर लेता हूँ। अब फार्मूला आपको पता है हमेशा एक्सेल में फार्मूला इज इक्वल टू से स्टार्ट होता है, इज इक्वल टू, ठीक है जी, इज इक्वल टू शिफ्ट, ठीक है, ये डबल कॉलन, ठीक है, डबल डॉट जिसे बोलते हैं, और फिर शिफ्ट और एट के ऊपर स्टार का साइन होगा, ये स्टार, फिर शिफ्ट और ये फिर डबल डॉट्स, डबल कोट्स, और फिर आपने ये शिफ्ट प्लस, शिफ्ट प्रेस करके ये सेवन का साइन है, ठीक है, जिस पे ये साइन होता है। ठीक है, अब पॉजिटिव सिंबल। ठीक है, फिर हमने देखना है किसका बार कोड बनाना है। ठीक है, ये इस नंबर का बारकोड बनाना, इस नंबर की क्या लोकेशन है जी, C2, इसको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है जी, फिर आपने वही साइन और फिर शिफ्ट डबल कोट्स, फिर स्टार और फिर डबल कोट्स एंड और ये एंटर। ठीक है, ये आपके फॉर्मूला जनरेट हो गया। ठीक है जी, अब मैं फिर रिपीट करने के लिए मैं फार्मूला दोबारा से टाइप करता हूं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। इसमें पहले मैंने स्टार यूज किया, इसमें आप ब्रैकेट भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि शिफ्ट डबल कोट्स। अब हम स्टार की जगह ब्रैकेट यूज कर सकते हैं, शिफ्ट ब्रैकेट, ठीक है, फिर डबल कोट्स, फिर पॉजिटिव सिंबल, फिर हमने जिसका बनाना ये सेलेक्ट हो गया, सॉरी एक मिस्टेक होगी, इज इक्वल टू ने प्रेस किया फार्मूले से पहले, इज इक्वल टू। ठीक है जी, अब मैं यहाँ पे ये सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और उसके बाद फिर पॉजिटिव सिंबल, फिर डबल कोट्स, अब मैं ब्रैकेट क्लोज करता हूँ और फिर डबल कोट्स। ठीक है, पहले जब मैंने यूज किया था यहाँ पे मैंने स्टार यूज किया था मल्टीप्लिकेशन, अब मैं ब्रैकेट से भी यूज करूंगा तो देखिए वही सेम फार्मूला। ठीक है, अब मैं इसको ड्रैग कर लेता हूँ ताकि मुझे बार बार यूज ना करना पड़े। ये हो गया, ये मेरे पास आ गया फार्मूला बार कोड जनरेट करने का। अब मुझे ये बार कोड की शेप में लेके आना, तो उसके लिए मुझे एक फॉन्ट चाहिए जो आपने बार कोड, जैसे मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं फॉन्ट में जाता हूँ, ये 3 of 9 बार कोड ये सेलेक्ट किया, ये ले बार कोड जनरेट हो गया, फिर 3 of 9, फिर 3 of 9। ठीक है, इस तरह ये क्या होगा, आपका बार कोड जनरेट हो जाएगा। अब ये है कि अब अगर आप इसमें चेंजिंग कर लें, जैसे ये देखिए इसमें मैं चेंजिंग कर लेता हूँ, आई वे प्लस कर लेता हूँ, देखिए वो चेंज हो जाएगा। इसमें फिर चेंजिंग कर लेता हूँ, कुछ भी,
तो ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब ये आपके बारकोड एप्लीकेबल है, जहां मर्जी आप वर्ड वाले इसको स्कैन करें अपने प्रोडक्ट्स के सप्लाई चेन के मुताबिक। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि सर ये 3 of 9 बारकोड तो है नहीं है। ठीक है, ये बिल्कुल ठीक बात है, ये ऑफिस में बिल्ट इन नहीं आता, ये आपको खुद से ओपन सोर्स से डाउनलोड करना पड़ेगा। तो उसका तरीका क्या है वो हम सीखते हैं, इसलिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को कम्प्लीट देखें। आपने गूगल सर्च पे चले जाना है, अपने गूगल गूगल पे जाके आपने टाइप करना है 3 of 9 बारकोड फॉन्ट। ठीक है, 3 of 9 बारकोड फॉन्ट, और उसमें ये फर्स्ट वेबसाइट है dafont.com। आप dafont.com भी सर्च कर सकते हैं, इसको आपने ओपन कर लेना है। ठीक है, ये ओपन किया और यहाँ पे ये देखिए, ये फर्स्ट ही ये फॉन्ट स्टाइल आ गया, इसको आपने यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है। ऐसे डाउनलोड पे क्लिक करना, मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड था। ठीक है, अब आपने अपने डाउनलोड्स में जाके यहाँ पे ये देखिए, ये डाउनलोड्स है, ये देखिए ये डाउनलोड है, आपने राइट क्लिक करना है, इसको एक्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, एक्सट्रैक्ट हेयर, यस टू ऑल। ठीक है, ये एक्सट्रैक्ट हो गया, अब इस पर डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करके ये 3 of 9 न्यू के नाम से जो फाइल है, इसको आपने ऐसे डबल क्लिक करके ओपन करना है और यहाँ पे इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, इंस्टॉल का प्रेस करना है, 2-4 सेकंड आपने वेट करना है, ये इंस्टॉल हो जाएगा, मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है। जैसे इंस्टॉल करेंगे तो उसके बाद जितने भी आपके फॉन्ट के प्रोग्राम ना, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, उसमें ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा। तो फिर आपने यहाँ पे सर्च कर लेना है। फर्स्ट टाइम आप सर्च करेंगे तो आपको बहुत लंबा नहीं मिलेगा, तो आपने बस यहाँ पे आके 3 प्रेस करना है। ऐसे 3 प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो वहाँ पे आ जाएगा 3 of 9 बारकोड पे। ठीक है, तो ये एक छोटी सी वीडियो थी जहाँ मैंने आपको सिखाया कि एक्सेल में आप फ्री एंड सिंपल वे से बारकोड कैसे जनरेट या क्रिएट कर सकते हैं। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।